हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विकास एक ही दिशा में होता है और एक आयामी है, तो आपका पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल इज़ अप्लीकेबल इन द स्पेयर ऑफ। सेफेलोकॉडल यानी शीर्षगामी सिद्धांत किसके क्षेत्र में लागू होता है? तो आपका दूसरे का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली सारी सिस्टम के सॉल्यूशंस करा दिए गए हैं, तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर करें और वीडियोस को देखें। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, डैश इज़ अ सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। डैश भाषा के सिद्धांत, भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न दियर इंडिविजुअल आइडेंटिटी अक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। डैश परिवार के भीतर तब होता है जब बच्चे पहली बार अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग द इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन किस स्तर पर समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर आधारित हैं, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक चरण, कन्वेंशनल स्टेज। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा निकाय में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्मसातकरण, असिमिलेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मीना ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह भी तार्किक रूप से तर्क करना शुरू कर रही है, हालांकि वह संरक्षण नहीं कर सकती है। जीन पियाजे के अनुसार मीना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को चार भागों में विभाजित किया है। पहली संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष और उससे अधिक। आपका एट क्वेश्चन आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो आपका एट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की के द्वारा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव विगोत्स्की थ्योरी। कौन सा कथन लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के मूल सिद्धांत को सही ढंग से बताता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, एन एग्जांपल ऑफ पेडागॉजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज। सार्थक सीखने को बढ़ावा देने वाली शैक्षणिक रणनीति का एक उदाहरण है, तो आपका टेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, केवल सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर केंद्रित करना, आकलन पर ध्यान केंद्रित करना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरीज एडवोकेट्स
दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रसीड्स सिम्बोलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संज्ञानात्मक विकास एक बच्चे में प्रतीकात्मक भाषा के विकास से पहले होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा जेंडर रूढ़ियों को दूर करने के लिए कक्षा में अपनाई जाने वाली प्रभावी प्रथा नहीं है? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा में लड़के और लड़कियों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था करना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, पारो अपने पिता की बढ़ई गिरी की दुकान में मदद करती है जहां वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई तकनीकों का उपयोग करके लकड़ी के ब्लॉकों को सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS योजना के तहत एक पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया है जहां वह शैक्षणिक मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, विशेष रूप से इस स्थिति में शिक्षक को चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पारो के लिए पाठचर्या और अध्ययन सामग्री को प्रासंगिक बनाना स्कूल के बाहर जैसे गणितीय अनुभवों को एकीकृत करना या उनका समावेशन करना चाहिए। आपका 14th क्वेश्चन आया था, सेंसिटिविटी टू द साउंड रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ध्वनियों लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिंग्विस्टिक भाषाई। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन के कौन से तरीके पसंद किए जाएंगे? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर पहलू का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों को निरंतर अवलोकन और सहायता। आपका 17th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल्स। छात्रों को डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैस्ट्री ओरिएंटेड महारत उन्मुख लक्ष्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का सिद्धांत है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, आंशिक दृष्टि वाला बच्चा। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा कक्षा में रचनात्मकता का समर्थन करेगी? तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकृति, विचार मंथन पर जोर, असहमति के प्रति सहिष्णुता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आपकी कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए समावेश के दर्शन के अनुरूप नहीं है, जिसे समूह गतिविधियों से निपटने में मुश्किल हो रही है? आपका 21st का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को डैश छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका 23rd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था, तो आपका अभिकथन दिया गया था, पाठ ज्ञान को पुनः पेश करने की उनकी क्षमता के निर्माण की बजाय स्कूलों को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने, उनकी जिज्ञासा को विकसित करने, चीज़ों को करने, प्रश्न पूछने, चर्चा में शामिल होने और समूह कार्य करने में सक्षम बनाना चाहिए। कारण दिया गया था, सीखना अपने स्वरूप में सक्रिय और सामाजिक है। तो आपका
23 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 24 क्वेश्चन आया था, किसी विशेष विषय के भीतर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल टूल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपका 24 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अवधारणा मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये जो हिंदी होती है गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसलिए टफ होती है। दोस्तों इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ जिससे कि आप लोग एक बार ही इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। रवि अपनी परियोजना के लिए विभिन्न संसाधनों की खोज कर रहा है क्योंकि उसे नई चीज़ें सीखना पसंद है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है। तो 26th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। दोस्तों इस पर ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या सही है, क्योंकि एक हल्की सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो इसमें पूछा गया था कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, क्योंकि कंपेरिजन करना इज़ नॉट करेक्ट। आपका 27th क्वेश्चन आया था, गणित की शिक्षिका रचिता स्टेटमेंट योग के लिए लागू किए जाने वाले सही ऑपरेशन की पहचान करने में अपने छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करने की कोशिश करती है, वह ऐसा करती है। तो आपका 27th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियों को समझे क्योंकि वे बच्चों की सोच के लिए मदद करते हैं। आपका 28th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस इम्फोसाइसिस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जोर दिया गया है। तो आपका 28th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, वैचारिक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपका 29th क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चे सबसे अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो आपका 29th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, जब वे सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे हों या लगे होते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ टेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट दी लर्निंग्स इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, छात्रों को उपयुक्त सामग्री की एक श्रृंखला तक पहुँच प्रदान करना और उनके सीखने को स्वयं निर्देशित करने की गुंजाइश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। तो आपका 30th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषित अधिकम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।